हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बंदनी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमबी ट्यूटोरियल। सो इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, राइट? एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट फर्दर 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर एंड द फिगर इज लाइक दिस। ओके, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एच टी and angle PQR is equals to 110 degree and angle RHT is equals to 130 degree, then find the angle QRS. okay, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फिगर आपका इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। गिवन पार्ट क्या है कि दिस लाइन PQ is parallel to this line HT. okay, PQ is parallel to HT एंड एंगल PQR मीन्स दिस एंगल यू हैव गिवन 110 डिग्री। ओके, एंड वन मोर एंगल यू आर गिवन हेयर, एंगल RHT मीन्स दिस एंगल दैट इज 130 डिग्री। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल QRS. QRS मीन्स दिस एंगल, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू a little construction. Okay, how you have to extend this HT line in backward direction like this. Okay, since PQ is parallel to HT and name it as, suppose this point is A. ओके, क्या किया हमने, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें किया, क्या कि ये जो एच टी लाइन थी इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने एक्सटेंड कर दिया ए पॉइंट तक। ओके, अब और क्या करना है, इस क्यू आर लाइन को हमें एक्सटेंड करना है जो कि इस कंस्ट्रक्टेड लाइन को इंटरसेक्ट करे। सपोज दिस पॉइंट इज बी। ओके, एक तो लाइन एच टी को एक्सटेंड किया और एक लाइन क्यू आर को एक्सटेंड किया, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बी एस आर इज मेकिंग अ ट्राइंगल। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर, ए टी आपकी सेम लाइन एच टी ही है, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एच टी दैट मीन्स पी क्यू विल ऑल्सो बी पैरेलल टू ए टी। सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, एक्सटेंड लाइन एच टी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, टू पॉइंट ए। ओके, एंड also extended line QR to point B. This much That's you have constructed here. Okay, now see here, since HT is parallel to PQ, that implies AT is parallel to PQ. Okay, PQ, अब देखिए AT PQ के पैरेलल है और यहाँ पर BQ क्या एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, BQ किसका, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेंस AB is parallel to okay AB is parallel to PQ and BQ is a transversal therefore angle PQR is equals to angle ABQ. Why?
because these two lines are parallel and these are intersected by a transversal, that is BQ. So angle ABQ and angle PQR making corresponding angles. Okay, so in case of parallel lines, corresponding angles are always equal. So we can write here PQR is equals to angle ABQ, that is 110 degree. Okay, write here corresponding angles. Okay, now see, so this angle is 110. Now see, this is a line AT and these two angles are making linear pair. So you can write here angle ABQ plus angle ABQ or ABR plus angle RBS is 180 degree. Why? Linear pair. सेम लाइन पर ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है? तो इनका सम क्या होगा? 180 होगा. तो ए बी आर आपको कितना 110 हो गया. एंड एंगल आर बी एस दैट वी हैव टू फाइंड हेयर, आर बी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल आर बी एस क्या निकल रहा है आपका, 180 माइनस 110 डिग्री. ओके, सो इट विल बी ऑफ 70 डिग्री. सो एंगल आर बी एस इज 70 डिग्री, मीन्स दिस एंगल. देखिए ये एंगल हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग आर बी एस आपका एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है? अगर अब इन ट्राइंगल का ही ये एंगल है जो आपको मेन क्वेश्चन में पूछा गया है, एंगल क्यू आर एस. ओके, तो ये एंगल हमें निकालना है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है. तो यहाँ इन दो एंगल की हेल्प से हम ये दो एंगल्स निकाल सकते हैं. तो तीसरा आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गए थे आपके, लीनियर पेयर. अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल भी आपके क्या है, लीनियर पेयर. तो लिखिए यहाँ पर एंगल आर एस टी प्लस एंगल आर एस बी विल इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? लीनियर पेयर, सेम लाइन पर हैं ये एडजेसेंट एंगल्स. ओके, सो आर एस टी यू हैव गिवन 130 डिग्री प्लस एंगल आर एस बी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, सो फ्रॉम हियर एंगल आर एस बी will be 180 minus 130 degree. Okay, so 180 minus 130 is 50 degree. So from here angle RSB you have got 50 degree, means this angle. ठीक है, तो third angle आप निकाल सकते हैं. So right here since RBS is a triangle, so since RBS is a triangle, so angle RSB plus angle SRB plus angle SBR right here by angle sum property. ओके, तो देखिए यहाँ से आर एस बी आपका कितना निकल के आया, 50 डिग्री. एस आर बी वो हमें निकालना है, प्लस एंगल एस बी आर जो कि आपका 70 डिग्री आया. तो इनका सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री. ओके, सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एंगल एस आर बी 180 माइनस 50 प्लस 70 विल बी 120, means this angle will be 120. So 180 minus 120 will be 60 degree. तो यहाँ से एंगल आप इसको SRB बोले,
एस आर बी बोले या क्यू आर एस बोले, सेम ही है। तो यहाँ से आ रहा है 60 डिग्री, जो कि हमें निकालना था। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक और कंस्ट्रक्शन आप इसमें कर सकते हैं, आप क्या करिए, एस टी की पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। पैरेलल लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो देखिए आपको ये एंगल निकालना है। अगर ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं कि, तो देखिए ये दो पैरेलल लाइन है तो ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180। तो एक एंगल आपका 130 का है, तो ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 130 मींस 50 डिग्री का ये एंगल हो गया। यहाँ से देखो पी क्यू और ये लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का काम कर, तो एक 110 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। अब देखिए ये होल थ्री एंगल्स आर ऑन द सेम लाइन, इट मीन्स देयर सम विल बी 180, सो टू ऑफ देम इज 70 एंड 50, सो दिस वन विल बी 60 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपको दोनों ही केस में कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द गिवन फिगर एंड द फिगर इज लाइक दिस, ओके। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, देन फाइंड एक्स एंड वाई, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फिगर आपका इस तरीके से है। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी मीन्स दीज टू लाइन्स यू हैव गिवन पैरेलल, ओके, एंड एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू यू हैव गिवन 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी मीन्स दिस एंगल दैट इज 127 डिग्री, ओके। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल मीन्स एक्स एंड वाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर ए पी सी डी के पैरेलल दे रखी है, और यहाँ पर देखिए पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल का काम करिए इन दो पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। पी क्यू ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी, तो देखिए एंगल 50 डिग्री और एंगल एक्स ये दोनों कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन केस ऑफ पैरेलल लाइन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दो लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखिए यहाँ पर सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, सो एंगल एक्स विल इक्वल्स टू एंगल 50 डिग्री। वाई द रीजन यू हैव टू मेंशन इन ब्रैकेट, एक्स भी आपका क्या होगा, 50 डिग्री का होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दीजिए कि पी क्यू क्या है, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इक्वल होंगे पैरेलल लाइन के केस में। अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर इज़ अ ट्राइंगल, ओके, और उसके एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स मीन्स एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा ये वाला एंगल है, ये, ठीक है। तो देखिए एक एंगल हमने निकाल लिया है, ठीक है, फाइंड कर लिया है 50 डिग्री, दूसरा हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स आपको दे रखे हैं तो तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। तो ये एंगल हमें और निकालना है, तो देखिए सी डी एक पैरेलल लाइन है और ये दोनों एंगल्स आपके क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो लिखिए यहाँ से सिंस सी डी इज अ लाइन, सो एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू विल इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आपके फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पी आर डी आपको कितना दे रखा है, 127, एंगल
पी आर क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एंगल पी आर क्यू विल इक्वल्स टू 180 माइनस 127 डिग्री, ओके। सो 10 माइनस 7 इज 3 एंड 7 माइनस 2 इज 5 एंड 1 माइनस 1 इज 0, मीन्स एंगल पी आर क्यू हाउ मच 53 डिग्री, मीन्स दिस एंगल यू हैव गॉट 53 डिग्री, ओके। तो अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो राइट हियर सिंस पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, ओके, पी क्यू आर क्या है आपका ट्राइंगल है, देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर विल इक्वल्स टू 180 डिग्री, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो देखिए, पी क्यू आर की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 50 डिग्री प्लस क्यू आर पी की, क्यू आर पी 53 डिग्री आ रहा है एंड एंगल क्यू पी आर दैट इज वाई हेयर 180 डिग्री। नाउ सी, वाई विल इक्वल टू 180 माइनस द सम ऑफ 53 एंड 50 मीन्स 103, सो इट विल बी 10 माइनस 3 इज 7, 7 एंड 1 माइनस 1 मीन्स 77 डिग्री, ओके। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग वाई एज 77 डिग्री, ओके। सो वी हैव गॉट हियर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 50 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 77 डिग्री, दिस इज 77 डिग्री, ओके ओके। तो क्या किया हमने, ए बी और सी डी आपकी पैरेलल लाइन आपको गिवन थी, यहाँ पर पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो 50 डिग्री और ये एंगल एक्स ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और पैरेलल लाइन है तो इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमें एक्स की डायरेक्टली वैल्यू 50 मिल गई, ठीक है। अब हमें निकालनी है बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म हो रहा है, उसमें ही एक एंगल बाई आ रहा है, दूसरा एक्स आ रहा है, तीसरा ये एंगल आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू तो हमें 50 डिग्री पता है, वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमें ये एंगल पी आर क्यू जो थर्ड एंगल है वो पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एंगल इसका एडजेसेंट आपको दे रखा है, जो कि दोनों ही एंगल क्या है लाइन पर है, इसलिए ये लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, तो एक 127 का है तो दूसरा कितने का होगा, 53 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस ट्राइंगल पी क्यू आर के दो एंगल्स निकाल लिए, तीसरा आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे, ओके। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड द मिरर एंड स्ट्राइक्स द मिरर एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड सच दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो यहाँ पर लाइन पी क्यू और आर एस आपकी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि एक रे है ए बी, वो मिरर पी क्यू को बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, और मिरर पर जब आपकी लाइट रे पड़ती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर साइंस का ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। दो मिरर इस तरीके से आपके प्लेस किए गए हैं कि वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब इस मिरर पी क्यू पर एक लाइट रे स्ट्राइक करती है बी पॉइंट पर, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है बी पॉइंट पर,
मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो रही है किस पाथ में, पी सी के अलोंग। ठीक है, बी सी के अलोंग जब ये जाती है तो दूसरा मिरर जो कि इस पी क्यू मिरर के पैरेलल है उसको स्ट्राइक करती है, उस पर इंसिडेंट होती है सी पॉइंट पर। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होती है किस पाथ के अलोंग, सी डी के अलोंग। ओके, तो अब आपको यहाँ ये प्रूव करना है कि ये इंसिडेंट रे ए बी दैट इज़ पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे सी डी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर दो लाइंस ए बी और सी डी की हम बात कर रहे हैं जो कि रे हैं, एक इंसिडेंट रे है दूसरी रिफ्लेक्टेड है, और इन दोनों को ही हमें पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करना है तो इसका मतलब यहाँ पर या तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दें या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दें, तो लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, ये क्या है, हाँ रिफ्लेक्शन का एक एग्ज़ाम्पल है। तो देखिए, ये पी क्यू आपका मिरर है, आर एस पी मिरर है, और जिस पॉइंट पर ये रे इंसिडेंट करी वहाँ से हम क्या है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है, प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसी तरीके से इस प्लेन इस मिरर आर एस पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं इंसिडेंट पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ठीक है, इस तरीके से ये नॉर्मल्स हैं किस पर है, मिरर पर है। ठीक है, और आपको मालूम है लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, तो इन पर जो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, क्योंकि जिस पर ये ड्रॉप हो रहे हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो नॉर्मल कहें या परपेंडिकुलर कहें वो भी आपके पैरेलल होंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज इस एंगल का नाम मैं दे रही हूँ एंगल वन। ओके, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस एंगल सपोज इज टू। ओके, सेम हियर, दिस इज द रिफ्लेक्टेड, दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर दिस मिरर, सो दिस एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, सो दिस इज सपोज एंगल थ्री। ओके, एंड दिस एंगल विल बी इफ आई टेक एंगल फोर, सो दिस इज बिटवीन दिस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो यहाँ पर हम किसके रूल्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखिए पहली चीज, सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है इस फिगर में, ड्रॉ नॉर्मल्स एट बी पॉइंट सपोज एंड सी पॉइंट। ओके, बी और सी पर हमने क्या है, नॉर्मल्स को ड्रॉ कर दिया है। सपोज इट्स नेम इज आम एंड दिस पॉइंट इज एन, सो हियर बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, नॉर्मल्स हैं तो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर हैं। तो राइट हियर, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस and BM is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS, that implies BM is parallel to CN। ठीक है, BM और CN आपके क्या होंगे, parallel ही होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, perpendicular है, perpendicular किस पर है, पैरेलल लाइंस पर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, वाई
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 1 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 2 मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ओके, नेम दिस इक्वेशन 1. सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. Okay, name this equation 2. Okay, so angle 3 is equals to angle 4. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Okay, now see, since BM is parallel to CN, so alternate interior angles also will be equal. Here angle 2 and 3 are making alternate interior angles, so they will be equal. So right here angle 2 is angle 2 is equal to angle 3. Why? Alternate interior angle. Since BM is parallel to CN. Okay? Name this equation number 3. Now see here, according to equation number 1, angle 1 is equals to angle 2, and according to equation number 2, angle 3 is equals to angle 4, and according to equation number 3, angle 2 is equals to angle 3. It means this implies, you will write here, from equation 1, 2 and 3. Angle, since 1 is equals to 2, 3 is equals to 4 and 2 is equals to 3. That means angle 1 will equals to angle 4. Okay, angle 1 is equals to angle 4. अब यहाँ से क्या चीज़ निकल रही है, 1 2 की इक्वल है, 2 किसके इक्वल है 3 के, और 3 किसके इक्वल है 4 के, मतलब चारों ही एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है. और वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके, सो इफ आई राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स दीज टू एंगल्स, सो दैट विल इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ ये 1 2 3 4 चारों ही एंगल आपस में इक्वल हैं. तो अगर हम दो का सम ले रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 का, तो इसका सम हम एंगल 3 और 4 की इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज व्हाट, एंगल ए बी सी, एंड एंगल 3 प्लस 4 इज व्हाट, एंगल बी सी डी. ओके, मीन्स दिस होल एंगल. नाउ सी हियर, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन लाइन ए बी एंड सी डी. ओके, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, that's why line AB is parallel to CD. okay, AB और CD के बीच में ही तो ये alternate interior angles हैं जिनको हमने क्या equal prove कर दिया. okay, तो lines क्या हो जाएंगी आपकी, parallel हो जाएंगी. ठीक है, since alternate interior angles are equal,
That is why the lines in between these two angles are forming. AB is parallel to CD. Okay. तो यहाँ पर law of reflection का भी use हुआ है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट रिलेटेड टू दीज 3 क्वेश्चन कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन. एंड इन माई नेक्स्ट अपकमिंग सेशन वी विल डिस्कस सम इंट्रो पार्ट ऑफ फर्दर एक्सरसाइज, मीन्स एक्सरसाइज 6.3. ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.